42 इज हियर, अभिवादन स्वीकार कीजिए डॉक्टर सतीश पांडे का। इंसानी फितरत है कि जो चीज ज्यादा दिखाई पड़ती है हम उसकी ज्यादा केयर करते हैं, और इसी का फायदा कैसे उठाती हैं कंपनियां, यही जानेंगे आप इस वीडियो में, जिसमें मैं बात करने वाला हूं सनस्क्रीन के दुष्प्रभावों के बारे में, और साथ ही आप जान पाएंगे 5 लो टॉक्सिक सनस्क्रीन ब्रांड्स कौन से हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ है इस वीडियो में आपकी जानकारी के लिए। अगर बात सनस्क्रीन के बाजार की करें तो सनस्क्रीन का पूरा बाजार 5 किरदारों से बनता है। थोड़ी सी बात अगर इनकी ना की जाए तो लो टॉक्सिक सनस्क्रीन के बारे में बात करना बेईमानी होगी। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि इस बाजार के पहले किरदार के बारे में, जो है कंपनीज। भारत में 2021-22 में सनस्क्रीन की कुल बिक्री 1150 करोड़ रुपए की हुई थी, जिसमें ईयर ऑन ईयर 12% की ग्रोथ दर्ज की गई थी। टॉप के 10 ब्रांड में से पहले 3 ब्रांड लैक्मे, निविया और पॉन्ड्स ने बाजार में 50% पर अपना कब्जा बनाए रखा है। भारत में अगर सनस्क्रीन का औसत प्राइस देखा जाए तो यह 238 रुपए है, और अगर कुल बिक्री 1150 करोड़ रुपए से 238 रुपए को डिवाइड कर दिया जाए तो भारत में सनस्क्रीन की कुल बिक्री 2022 में 4,85,00,000 से ज्यादा यूनिट की हुई थी। मान लेते हैं कि एक ग्राहक साल में 2 यूनिट सनस्क्रीन का इस्तेमाल करता है, तो इस अनुसार 2,41,00,000 से ज्यादा लोगों ने सनस्क्रीन का उपयोग किया, जो कुल आबादी का 1.69% होते हैं। मैं आपको ये आंकड़े इसलिए बता रहा हूँ जिससे आप यह समझ पाएं कि अभी भी बहुत कम भारतीय सनस्क्रीन का उपयोग कर रहे हैं, और ये बात कंपनी भी जानती है। इसी वजह से कंपनियों को लगता है कि इस मार्केट में बहुत अधिक ग्रोथ है, और जहाँ ग्रोथ है वहाँ मुनाफा है, और इस मुनाफे का दोहन रेगुलेटर्स को मिलाए बिना तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि नियम तो आखिर रेगुलेटर्स को ही बनाना है। अब आइए बात करते हैं दूसरे किरदार के बारे में, जो है रेगुलेटर्स। भारत में स्किन केयर और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को रेगुलेट करना ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का काम है। BIS का मुख्य काम भारतीयों को ऐसे प्रोडक्ट्स उपलब्ध कराना है जिनके इस्तेमाल से उनको कोई नुकसान ना हो। पर अगर हम BIS की टेस्टिंग नॉर्म्स की बात करें तो सनस्क्रीन की गुणवत्ता के लिए अभी भी वो फोटो स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, वाटर कॉन्टेंट, pH, टोटल फैटी सब्सटेंस, टोटल रेसिड्यू, हैवी मेटल्स जैसे लेड, आर्सेनिक, TVS और ग्राम निगेटिव पैथोजेंस के लिए टेस्ट करते हैं। उसमें कार्सिजोनिक, हार्मोन डिस्टर्बर और बेंजीन के लिए कोई मानक नहीं है। वहीं दूसरे देशों में सनस्क्रीन में बेंजीन मौजूद होने की वजह से कई प्रोडक्ट हर साल रिकॉल होते हैं, लेकिन भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है। अभी पिछले साल ही ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में निविया, न्यूट्रोजिना और बनाना बोट की सनस्क्रीन को रिकॉल किया गया है, क्योंकि उसमें बेंजीन था। मान लीजिए ये ब्रांड यही रिकॉल सनस्क्रीन भारत में बेचना शुरू कर दें तो उन पर कोई जुर्माना नहीं हो सकता, और मरना आपको ही पड़ेगा, क्योंकि भारतीय रेगुलेटर्स ने कोई नियम इसलिए नहीं बनाया कि कंपनियां मार्केट का भरपूर दोहन कर सकें। तो इस तरह से रेगुलेटर्स ने नियमों में ढील दी, जिसका फायदा कंपनियां प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए उठाती हैं, और सनस्क्रीन को बेचने के लिए ब्रांड सबसे पहले डॉक्टर्स को अप्रोच करते हैं। अब आइए बात करते हैं तीसरे किरदार के बारे में, जो है डॉक्टर्स। 10 में से 9 त्वचा रोग विशेषज्ञ सनस्क्रीन को सनबर्न, झुर्रिया, टैनिंग, फोटो एजिंग, फोटो एग्रेसिव डर्मेटाइटिस जैसे SLE, जीरो डर्मा पिगमेंटोसम, क्रोनिक एक्टिनिक डर्मेटाइटिस, एल्बिनिज्म के मरीजों को ही प्रिस्क्राइब करते हैं। अधिकांश डॉक्टर लंबे समय के दुष्प्रभावों को ध्यान में नहीं देते, क्योंकि डॉक्टर्स को मरीज को फौरी तौर पर लाभ देना होता है। इसके अलावा बहुत कम ऐसे डॉक्टर हैं जिनको टॉक्सिकोलॉजी की डीप नॉलेज होती है, और यही कारण है कि अनेक त्वचा रोग विशेषज्ञ सनस्क्रीन इस्तेमाल करने का सुझाव देते हैं, क्योंकि आमतौर पर यह विषय चिकित्सा विज्ञान के अंतर्गत नहीं आता। यही अनभिज्ञता सनस्क्रीन की सेल के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। भारत में अभी भी 10 में से 9 स्किन स्पेशलिस्ट स्वयं सनस्क्रीन का कभी प्रयोग नहीं करते, और अन्य डॉक्टर भी इसका उपयोग नहीं करते। अगर भारतीयों के लिए सनस्क्रीन इतनी ही जरूरी होती तो भारतीय वैज्ञानिक संस्थानों या ICMR इसके बारे में जागरूकता फैलाते, डॉक्टर्स को इस्तेमाल करने के लिए दिशा निर्देश जारी करते। हालांकि भारत सरकार के किसी भी संस्थान ने अभी तक इसके लिए कोई गाइडलाइंस जारी नहीं की है। बहुत से लोगों का यह भी कहना है कि बहुत से डॉक्टर फार्मास्यूटिकल कंपनियों से पैसा लेकर सोशल मीडिया या अन्य जगहों पर सनस्क्रीन इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। चाहे जो भी हो, डॉक्टर्स के सहारे कंपनियों को सनस्क्रीन बेचने का एक अच्छा माध्यम मिल जाता है।
मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले तीन त्वचा रोग विशेषज्ञ जिसमें शामिल हैं डॉक्टर स्वास्तिका सुवेरिया, हेड ऑफ डिपार्टमेंट डर्मेटोलॉजी वेरनोलॉजी और लेप्रोसी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, डॉक्टर शैलेंद्र पांडे और डॉक्टर सुनील नाइक की सलाह को भी इस वीडियो में शामिल किया है। इनके अलावा भी मैंने कई डॉक्टर से बात की है और सभी डॉक्टर इस बात पर सहमत थे कि केवल 5% हिंदुस्तानियों को सनस्क्रीन इस्तेमाल करने की आवश्यकता होती है और सारे डॉक्टर इस बात पर एकमत हैं कि ऐसे बच्चे जिनको फोटोसेंसिटिविटी की समस्या हो उनके अलावा बच्चों और 18 साल से कम उम्र के लोगों को सनस्क्रीन का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो अब आइए बात करते हैं चौथे किरदार के बारे में जो है इन्फ्लुएंसर्स। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक इन्फ्लुएंसर का बौद्धिक स्तर और अनुभव किसी भी त्वचा रोग विशेषज्ञ और टॉक्सिकोलॉजिस्ट से कम ही होगा। तो जब इन्फ्लुएंसर्स देखते हैं कि स्किन स्पेशलिस्ट सनस्क्रीन के इस्तेमाल की सलाह दे रहे हैं तो ये लोग भी गूगल पर उसके फायदे पढ़कर सब्सक्राइबर्स को सनस्क्रीन के सिर्फ फायदे बताते हैं और दुष्प्रभावों पर कोई चर्चा नहीं करते। इन्फ्लुएंसर्स के प्रभाव क्षेत्र और कम बौद्धिक स्तर का सबसे ज्यादा दोहन स्किन केयर कंपनियां स्पॉन्सरशिप देकर करती हैं। स्पॉन्सर्स के दबाव में इन्फ्लुएंसर्स वे बातें कहते हैं जो ब्रांड डॉक्टर से नहीं कहलवा पाते। सिर्फ एक कंपनी ममाअर्थ ने 2022 में इन्फ्लुएंसर्स पर 391 करोड़ रुपए खर्च किए थे। यह तो सिर्फ एक कंपनी का पैसा है, सब मिलकर कितना पैसा खर्च कर रहे हैं इसका अनुमान लगाना ही बहुत कठिन है। पर एक बात बहुत आसान है, इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसा करने से आप मेरा हौसला तो बढ़ाते ही हैं, साथ ही स्वयं को भी स्वस्थ रखते हैं। तो इस तरह से तैयार होता है आपको बेवकूफ बनाने का प्लान। अब आइए बात करते हैं पांचवें किरदार के बारे में जो है आप यानी कंज्यूमर्स। आप इस चेन के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य हैं। आपको सनस्क्रीन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए इस बारे में कोई इन्फ्लुएंसर कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इस्तेमाल करने से पहले आपको तीन प्रमुख तथ्यों पर विचार करना चाहिए। और पहला तथ्य है कि सनस्क्रीन्स को बनाने के लिए मुख्यतः दो तरह के फिल्टर इस्तेमाल होते हैं। पहला है केमिकल फिल्टर्स, इसमें 10 अलग अलग तरह के इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं। 7 इंग्रेडिएंट्स के घातक दुष्प्रभाव विदेशों में हुए अध्ययनों में एस्टेब्लिश हो चुका है। बाकी 3 इंग्रेडिएंट्स की सेफ्टी के बारे में अभी और अध्ययन होगा तो पता चलेगा कि ये कितना सेफ है। और दूसरे तरह के फिल्टर होते हैं फिजिकल सनस्क्रीन फिल्टर, जिसमें शामिल हैं टाइटेनियम डाइऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ये फिल्टर्स केमिकल सनस्क्रीन की तुलना में बहुत कम नुकसानदायक हैं, लेकिन इन दोनों फिल्टर्स की सेफ्टी अभी भी भारतीय स्किन पर एस्टेब्लिश होना बाकी है। ध्यान रखिएगा, मेडिकल साइंस की एक प्रचलित मान्यता है कि जब तक कोई इंग्रेडिएंट की सेफ्टी एस्टेब्लिश ना हो तब तक उसे इंसानों पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसीलिए मैं कहता हूं कि डॉक्टर्स की टॉक्सिकोलॉजी की नॉलेज कम होती है, क्योंकि जब तक सेफ्टी एस्टेब्लिश नहीं है तब तक आप कोई भी इंग्रेडिएंट कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जब सारी चीजें एक साथ मिल जाएं तो एक आम आदमी को मूर्ख बनाना कितना आसान होता है। अब आइए बात करते हैं दूसरे तथ्य के बारे में। अक्सर ब्रांड्स ये कहते हैं कि सनस्क्रीन लगाने से कैंसर नहीं होगा। भारत की 1,43 करोड़ की आबादी में कुल स्किन कैंसर के मरीज 15 लाख से ज्यादा नहीं है, और अगर इनको प्रतिशत में देखा जाए तो यह 0.08% होता है। शायद आप ना जानते हो, स्किन कैंसर भी 3 तरीके का होता है। पहला है बेसल सेल कार्सिनोमा, 75% मरीज भारत में इसी कैंसर के पाए जाते हैं। इसके बाद दूसरे टाइप का स्किन कैंसर होता है SCC, जो ज़्यादा एग्रेसिव होता है लेकिन अर्ली स्टेज में यह क्यूरेबल है। और सबसे ज़्यादा खतरनाक तीसरे प्रकार का स्किन कैंसर होता है, जिसे मेलानोमा कहते हैं। ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी के अनुसार सन 2020 में भारत में 3,916 मेलानोमा के केस डायग्नोस हुए थे, जो कुल आबादी का, ध्यान रखिएगा, 0.0002738% थे। यही नहीं, स्किन कैंसर के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार जेनेटिक्स, बढ़ती उम्र, फेयर स्किन जैसे कारक होते हैं। सन एक्सपोजर तो सबसे अंतिम नंबर पर आता है, और सनस्क्रीन लगाने के बाद आपको टैनिंग या यूवी रेज के दुष्प्रभावों से बचने की कोई गारंटी नहीं मिलती। इसीलिए न सिर्फ मैं बल्कि स्किन स्पेशलिस्ट भी आपको यह कहते हैं कि धूप में निकलते समय आपको छाता, टोपी, काला चश्मा, मुंह पर दुपट्टा या गमछा बांधने जैसे अन्य प्राकृतिक उपाय अपनाने चाहिए। और सबसे अच्छा यही होगा कि 10 से 4 के बीच आप धूप में निकले ही ना। अब आइए बात करते हैं तीसरे तथ्य के बारे में। सनस्क्रीन के अलावा आपके पास टैनिंग हटाने के कई सारे विकल्प मौजूद हैं। अगर आप सनस्क्रीन का उपयोग करते हैं तो 10 से 20 साल के बाद आपको डायबिटीज, थायराइड, PCOS या कैंसर जैसी समस्या हो जाए तो आप यह जान ही नहीं पाएंगे कि ये समस्याएं किन इंग्रेडिएंट्स या ब्रांड के कारण हुई।
मान लीजिए आपके पास बहुत सारा पैसा है और आप विदेश जाकर यह इस्टेब्लिश भी कर लेते हैं, तो भी भारत में आपको कोई सहायता नहीं मिलने वाली, क्योंकि यहाँ इस बारे में कोई नियम ही नहीं है। और इन्हीं कारणों से आम आदमी की स्थिति भोपाल गैस त्रासदी से लेकर मोरबी के टूटे पुल जैसी हो गई है। अब फैसला आपको लेना है, आखिर पैसा, स्वास्थ्य और मर्जी आपका है। और अगर इन तथ्यों को जानने के बावजूद आपको यह लगता है कि आपको सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए, तो मैं आपको 5 ऐसे ब्रांड रिकमेंड कर रहा हूँ जिनके इस्तेमाल से आपको कम नुकसान होगा, यानी ये लो टॉक्सिक हैं। यहाँ एक और ध्यान देने वाली बात है कि आपको बच्चों पर सनस्क्रीन नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, और बच्चों के लिए सनस्क्रीन बनाने वाले ब्रांड्स जैसे एवीनो, बनाना बोट, बेबी फॉरेस्ट, बेबी चक्रा, बायोटिक, फिक्स डर्मा, हिमालया, काया, लिटिल ऑर्गेनिक्स, लोटस, ममाअर्थ, मॉम्स एंड वर्ल्ड, मदर स्पर्स, न्यूट्रोजिना, सबमेट, सॉफ्ट सेंस, द मॉम्स को, अल्ट्रासन और वाव स्किन साइंस की बच्चों के लिए बनी सनस्क्रीन का इस्तेमाल आपको बच्चों पर बिल्कुल नहीं करना है। और आइए अब बात करते हैं ऐसे सनस्क्रीन ब्रांड की जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको जस्ट हर्ब का मॉइस्चराइजिंग सनस्क्रीन जेल इस्तेमाल करना चाहिए, जो PA+ और 35 SPF के साथ बाजार में उपलब्ध है। इसके बाद दूसरा ब्रांड है बिल्वा मेल्ट इन मिल्क सनस्क्रीन SPF 50। यह एक फ्रेग्रेंस फ्री ब्रांड है और ऑयली स्किन के लिए यह बहुत ही अच्छा है। अब बात करते हैं नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन स्किन के लिए, तो यहाँ मैं सिर्फ आपको एक ब्रांड रिकमेंड करूँगा और इसका नाम है द मॉम्स को मिनरल सनस्क्रीन। और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको इस्तेमाल करना चाहिए जूसी केमिस्ट्री कैमेलिया एंड रेड रेसबरी सनस्क्रीन SPF 30। और ड्राई स्किन के लिए जो दूसरी सबसे अच्छी सनस्क्रीन है वो है रस्टी कार्ड की मिनरल सनस्क्रीन विटामिन सी विथ SPF 30। तो इन ब्रांड्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ये लो टॉक्सिक ब्रांड हैं जिनके इस्तेमाल से आपको बहुत ही कम या ना के बराबर नुकसान होगा। आप में से मेरे बहुत से ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो प्रेगनेंसी सेफ सनस्क्रीन के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नैनो जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड आमतौर पर ये सुरक्षित माने जाते हैं, लेकिन सिर्फ माने जाते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान इनकी सेफ्टी के बारे में अभी अमेरिका और यूरोप में ही बड़ी लिमिटेड रिसर्च हुई है और भारत में तो किसी पर भी कोई रिसर्च उपलब्ध नहीं है। इसलिए इस्तेमाल करने से पहले इस वीडियो में बताए गए तथ्यों की कसौटी पर आपको अपनी आवश्यकता को कसना चाहिए और उसके बाद सनस्क्रीन इस्तेमाल करना चाहिए। वीडियो खत्म होने को आया, यहाँ डिस्क्लेमर देने का समय आ गया है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं, मेरे परिवार, मेरे दोस्त और मेरी टीम में से कोई भी सनस्क्रीन इस्तेमाल नहीं करता और ना ही भविष्य में ऐसा होने की संभावना है। तो आज का यह वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।